परिचय इन तस्वीरों को देखो ये तीनों तस्वीरें दिन का अलग अलग समय दिखाती हैं ये सुबह का समय है ये दोपहर का समय है ये रात का समय है हम अपना काम समय के अनुसार करते हैं हम सुबह उठते हैं दोपहर में भोजन करते हैं और रात में पढ़ते हैं और ये समय है एक खास काम करने का ये समय है पाठ शुरू करने का क्या आप जानते हैं कि इस समय दुनिया में सभी बच्चों के लिए समय एक समान नहीं होगा जब आपके जागने का समय होता है तो दुनिया में कहीं और बच्चों के सोने का समय हो सकता है दोस्तों पहले आइए समय बताना और समय से जुड़ी दूसरी बातें सीखें आओ सीखें समय बताना समय बताने के लिए ए एम और पी एम का प्रयोग करना समय के बारे में तथ्यों की सूची बनाना समय से जुड़े सवालों को हल करना समय से जुड़े तथ्य जैसा कि हमने अभी देखा कुछ जगहों पर दिन निकला हुआ है तो कुछ स्थानों पर रात हो सकती है हम दुनिया में जब एक से दूसरी जगह जाते हैं तो समय बदल जाता है समय जानने के लिए घड़ी की मदद ली जाती है देखिए जैसा कि आप जानते हैं घड़ी की तीन सुइयां होती हैं छोटी सुई घंटा बताती है लंबी सुई मिनट बताती है और पतली सुई सेकंड बताती है आपने देखा होगा कि घड़ी की सभी सुइयां एक ही दिशा में घूमती हैं बाई से ओर इसे कहते हैं घड़ी की दिशा इसकी उल्टी गति को कहते हैं घड़ी से उल्टी दिशा आपने अलग अलग आकारों की घड़ियां देखी होंगी ऐसी भी घड़ियां होती हैं जिन्हें आप हाथ पर बांधते हैं उन्हें रिस्ट वॉच यानी कलाई घड़ी कहते हैं आपने दीवारों पर लगी घड़ियां भी देखी होंगी और ऐसी घड़ियां भी होती हैं जिन्हें इमारतों पर लगाया जाता है समय बताना आइए अब समय बताना सीखें आप सबको पांच की टेबल यानी पहाड़ा आता है चलिए इसे फिर से दोहराते हैं स्क्रीन पर पांच का पहाड़ा नजर आ रहा है आप आसानी से समय बता सकते हैं अगर आपको पांच का पहाड़ा आता हो तो मिनट और घंटे की सुइयों को अलग अलग पढ़ा जाता है घंटे की सुई की स्थिति जानने के लिए हम घड़ी पर लिखी संख्याओं को पढ़ते हैं और मिनट की सुई की स्थिति जानने के लिए हमें छोटी डिवीजन, यानी हिस्से को पढ़ना होता है मिनट जानने का एक और तरीका भी है कि संख्या को पांच से गुणा कर दिया जाए जब मिनट वाली सुई दो पर होगी तो घड़ी दिखाएगी दस मिनट यानी पांच को गुणा किया दो से यह घड़ी दिखा रही है कि दस बजकर दस मिनट हुए हैं एम और पी एम इन तस्वीरों को देखिए दोनों घड़ियों में नौ बजे हैं पर क्या दोनों तस्वीरों में कोई अंतर नजर आ रहा है एक में दिन का समय है और एक में रात का समय है पर आप ये कैसे बताएंगे कि सुबह के नौ किसमें बजे हैं और रात के नौ किसमें बजे हैं आइए मैं आपको बताता हूं किसी घड़ी में बारह संख्याएं होती हैं आप जानते हैं कि दिन में चौबीस घंटे होते हैं इसलिए आधी रात से दोपहर बारह बजे तक के समय को यानी बारह घंटों को ए एम लिखा जाता है दोपहर से लेकर रात बारह बजे तक के अगले बारह घंटों के साथ पी एम लिखा जाता है उदाहरण एक सारा सात दस ए एम पर सैर के लिए जाती है वह आधा घंटा सैर करती है आइए समय से जुड़े कुछ दिलचस्प सवालों को हल करें वह आधा घंटा सैर करती है उदाहरण दो रॉबर्ट अपनी आंटी के घर जाने के लिए ट्रेन में सात ए एम पर रवाना होता है इस यात्रा में बारह घंटे लगेंगे रॉबर्ट अपनी आंटी के घर कितने बजे पहुंचेगा बारह घंटे के बाद सात पीएम होगा इसलिए रॉबर्ट अपनी आंटी के रेलवे स्टेशन पर सात पीएम पर पहुंचेगा हमने क्या चर्चा की घड़ी दुनिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय दिखाती है सभी घड़ियों की सुइयां एक ही दिशा में घूमती हैं घंटे को जानने के लिए हमें घड़ी पर लिखी संख्या पढ़नी होती है मिनट जानने के लिए हमें घड़ी पर लिखी संख्याओं को पांच से गुणा करना होता है बारह घंटे वाली घड़ी पर चौबीस घंटे दिखाने के लिए हम ए एम और पीएम का इस्तेमाल करते हैं